नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम आप बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, तो आप इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड होगा, किन किन पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप आवेदन किस प्रकार से करते हैं, सभी जानकारी आपको ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है नोटिफिकेशन के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना, यहाँ पर आपको लिखना है जिला भिंड लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जिला भिंड, डिस्ट्रिक्ट भिंड, इस पर आपको क्लिक कर देना, मतलब भिंड जिले की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी भिंड जिले की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर आप थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। नोटिस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको भर्ती का ऑप्शन दिखेगा। भर्ती वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने जो है वो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भिंड हेतु स्वीकृत 11 पद हेतु विज्ञप्ति, यहाँ पर विज्ञप्ति अंतिम तिथि अगर बात करें तो 17/12/2024 है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भिंड 22/11/2024 को इसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन 12/11/2024 को कर दिया गया था और 17/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। शाम 5 बजे से पहले पहले आपको आवेदन पत्र भेजना होगा। उसके बाद अगर हम भर्ती की बात करें तो दोस्तों पदनाम हम देखें तो यहाँ पर आपको क्लिनिक मनोचिकित्सक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक पद है। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट है, सभी के एक पद है और साइट में आपको जो है वो क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और आपको सीनियर के बाद प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट है इसके भी एक पद है। केयर गिवर के एक पद है, सीनियर प्रोटेस्ट ऑर्थोपिस्ट के एक पद है, व्यावसायिक परामर्शदाता सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, इसके भी एक पद देखने को मिल जाएगा। श्रवण सहायक जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट, इसके भी एक पद देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और आपको वृत्ति का एक पद देखने को मिल जाएगा और चौकीदार का एक पद देखने को मिल जाएगा। इन सभी सातों पदों की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने वो पुनः आवेदन कर सकते हैं, अगर आपने पहले भी इसमें आवेदन किया तो वो पुनः इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आवेदन पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो आवेदन पत्र है यहाँ पर आपको फोटो लगा देना है, यहाँ पर जो मांगी गई जानकारी भर देना है, पूरी जानकारी भरने के बाद इसमें आपको सील साइन इन वगैरह सब कर देना और यहाँ पर आपको जो है वो सूचना पढ़ लेना है। आवेदक की आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा, चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों को पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा। ठीक है, आपको जो है वो संविदा के आधार पर रखा जा रहा है, ठीक है, संविदा के आधार पर आपको रखा जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जो आवेदन पत्र आपको बताया गया है उसे निकाल लेना है, उस पर पूरी जानकारी भर देना है, सभी फोटो कॉपी लगा देना है और इसे भेज देना है। कहाँ पर आपको हमें एड्रेस बता देते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर जब जाओगे आप तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भिंड मध्य प्रदेश, पिन कोड आपको लिख देना है, नहीं गूगल से निकाल कर, ठीक है, गूगल से निकाल कर आप यहाँ पर पिन कोड जो है वो लिख देंगे जिला भिंड का। उसके बाद जो आवेदन पत्र है उसे आपको भेज देना है, ठीक है, 17/12/2024 से पहले पहले वो आवेदन पत्र भेज आपको वहां पर भिजवाना होगा शाम 5 बजे से। तो जिला कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय विज्ञान सशक्तिकरण जिला भिंड में अगर आप आवेदन करना चाहते तो जरूर से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।